हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई सीरीज में जिसमें हम देख रहे हैं कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क फॉर बीसीए बीसीएस। तो इसमें जो हम डेटा कम्युनिकेशन के जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे कवर कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो इससे पहले का लेक्चर अगर आपको देखने तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है और भी लेक्चर देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के। तो चलिए आज देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे कि हम जो डेटा भेज रहे हैं किसी को या डेटा शेयर कर रहे हैं किसी को भी, तो वहाँ पे वो उसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि जो फोर फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक है जो कम्युनिकेशन सिस्टम जिस पे डिपेंड करता है। तो उसमें होता है सबसे पहले डिलीवरी, उसके बाद आता है एक्यूरेसी, इनके बारे में हम आगे चल के डीप में देखने वाले हैं। तो उसके बाद आता है टाइम लाइनेस और उसके बाद आता है जीटर। तो ये चार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा कम्युनिकेशन के। तो ये सबसे इसेंशियल पार्ट होता है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डिलीवरी क्या होता है इसमें। डिलीवरी जो है वहां पे देखिए, ये रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम टू डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे देखिए जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका जो डिलीवरी होता है, मतलब मैंने अगर किसी को डेटा भेजा तो वो डेटा जो है उसे ही जाना चाहिए जिसे मैंने भेजा था। हो सकता है कि कुछ बार क्या होता है एरर आता है तो वो दूसरों को चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन में मस्ट होता है कि वो जो है करेक्ट डेस्टिनेशन पे, मतलब जिसे भेजा है उसे ही जाना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा शुड बी डिलीवर विदाउट एरर और लॉस। तो जो भी डेटा वहाँ पे डिलीवर होने वाला है तो उसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, कुछ भी जो डेटा होता है उसमें कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसे डिलीवरी कहते हैं। देखिए टाइमली मैनर, यहाँ पे देखिए डेटा जो है वो टाइमली मैनर, जितने थोड़े टाइम में जाना चाहिए, मतलब उसे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए जब भी वो डेटा डिलीवर होने जा रहा है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। तो इसके नाम में ही सब कुछ है कि जो भी डेटा हम भेज रहे हैं तो वो जो है विदाउट एरर जाना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, उसे एक्यूरेसी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो भी है डेटा हम भेज रहे, मान लो कि हमने अगर एबीसी भेजा है तो उसे भी एबीसी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे सीबीआई ये हो गया, तो ऐसे नहीं होना। जो भी फॉर्मेट हमने जिस फॉर्मेट में भेजा था उसी फॉर्मेट में उसे मिलना चाहिए जो भी रिसीव करने वाला है। तो उसके बाद आता है कि फ्री ऑफ एरर्स, तो जो भी डेटा उसे मिलेगा वो एरर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। उसके बाद आता है टाइम लाइनेस। तो टाइम लाइनेस का मतलब क्या है कि जो भी हम डेटा भेज रहे तो कुछ टाइम में ही जाना चाहिए, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन, मान लो कि आपने किसी को मैसेज भेजा है, अगर वो मैसेज जल्दी गया तो ही अच्छी बात है, अगर उसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर गलत बात है, वहां पे जो है डेटा कम्युनिकेशन फेल हो रहा है। तो जो भी डेटा हमने भेजा है उसे टाइमली मैनर में ही जाना चाहिए, उसे टाइम लाइनेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे विदाउट एनी डिले, मतलब उससे में जो डिलीवर हो रहा है डेटा उसमें कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए। डेटा शुड बी डिलीवर इन अ वे दैट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द यूजर। देखिए यहाँ पे वही बात है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो उसका रिस्पॉन्स जो है जल्दी आना चाहिए, वहाँ पे जो है डेटा जल्दी जाना चाहिए, तो उसे टाइम लाइनेस कहते हैं। उसके बाद आता है जीटर। तो जीटर का मतलब क्या है कि जब भी जो डेटा, देखिए डेटा जब कम्युनिकेशन हो रहा है, हमने जब डेटा भेजा तो डेटा जैसे कि तैसे नहीं जाता, उसमें पैकेट्स बन जाते हैं, मतलब वो पैकेट्स में बढ़ जाता है, उसके जो छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं डेटा के। तो वहाँ पे जो डेटा जाने वाले तो वो सही से जाए तो उसे हम जीटर कहते हैं। वहाँ पे अगर कुछ भी गलत हो गया, मतलब जो पैकेट से अच्छी तरीके से नहीं गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। क्या होता है कि पैकेट जो है आगे पीछे हो सकते, मान लो कि अगर किसी डेटा का जो पैकेट्स बढ़ गए, मतलब तीन पैकेट बन गए, तो वहां पे जाके जो करेक्ट मैनर में उसे फिर से जुड़ जाना चाहिए। अगर मान लो कि वहां पे जो आगे पीछे हो गए तो वहां पे प्रॉब्लम आती, तो ऐसे होना नहीं चाहिए, तो उसे हम जिटर कहते हैं। द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम शुड मिनिमाइज जिटर एज मच एज पॉसिबल। तो इसी प्रॉब्लम को जितना हो सके उतना कम होना चाहिए डेटा कम्युनिकेशन में, तभी वो डेटा कम्युनिकेशन अच्छी है, ऑप्टिमाइज हुई है, ऐसा मानते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के खास बीसीए बीसीएस के बच्चों के लिए ये सीरीज लाई हुई है।